have a tough time losing weight because of my thyroid. ये आपने अक्सर एक थायराइड पेशेंट से सुना होगा. Unintended weight gain and weight loss बहुत कॉमन है थायराइड में. Hi, I am dietitian Lakshita Jain and today I'm talking about foods to avoid and add in thyroid. Just at the front of neck, thyroid gland is present. ये केवल 30 ग्राम का है लेकिन ये मेजरली हर बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करता है. थायराइड ग्लैंड के बहुत सारे फंक्शन है जैसे फैट कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्रेन डेवलपमेंट, कोलेस्ट्रॉल लेवल रेगुलेशन, कंट्रोलिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सेट्रा. की न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो आयोडीन, वाइटामिन डी, सेलेनियम एंड वाइटामिन B12 बहुत जरूरी है. अब आते हैं कि कौन कौन सा फूड कम अमाउंट मिले. गोइटरजन फूड नेम्ड आफ्टर गोइटर मीनिंग इनलार्ज और बड़ा हुआ थायराइड ग्लैंड. कॉमन गोइटरजन फूड्स हैं सोय प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्यू स्टार्ची वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो फ्यू मिलेट्स. बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हाइपरथायराइड में गोइटरजन और ग्रीन लिवी वेजिटेबल बिल्कुल मना है, लेकिन ऐसा नहीं है. टू नो मोर डिटेल्स DM और जॉय माई न्यूट्रिशन थायराइड कोर्स, जिसमें थायराइड क्या होता है, डाइट में क्या क्या फूड ऐड करें, सप्लीमेंट्स एंड कैसे थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करें सिखाया जाएगा. अब आते हैं कि कौन सा फूड ऐड करना बेस्ट रहेगा. एग्स बेस्ट सोर्स है आयोडीन एंड सेलेनियम का. साथ साथ ऐड करें मीट, फिश, डेयरी, ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स एंड मिलेट्स. याद रखें थायराइड एक फर्नेस की तरह काम करता है आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए. ये फर्नेस तभी काम करेगा जब आप मेडिटेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज एंड डाइट फॉलो करेंगे.